अजय शुक्ला साहब, आपसे बात एक ब्रीफ, क्योंकि ये सारी चीजें उलझी हुई हैं एक दूसरे से, और जब इसके पे चर्चा करने बैठते हैं तो एक तो बहुत ब्रीफली आप अमृत छकना एक हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा 1-15 सेकंड में कि अमृत छकना, कुछ दर्शकों को जो नॉन सिख हैं या जो गुरुद्वारे का नहीं उनको नहीं पता होगा अमृत छकना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरा आपसे एक और चीज ये है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके सूत्र यूनियन गृह मंत्रालय से है, और वो इसलिए कि वो चाहे दिल्ली का मसला हो, वो चाहे पंजाब का हो, और चाहे वो कश्मीर का हो, कश्मीर में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि किरण पटेल जी के साथ जो पकड़े गए थे, और ये नाम आ रहा है तो अब सब उसमें, वो आनंदीबेन पटेल के बेटे साहब थे और जो वहां के चीफ मिनिस्टर साहब है उनके पीआरओ का बेटा था, और इन लोगों को जाने दिया गया। ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और हर जगह कॉमन जो कनेक्शन है वो यूनियन होम मिनिस्टर है। वो मैं यूनियन होम मिनिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे एलजी का वहां पे भी राज है, वो अगर वहां पत्ता भी खड़कता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसको आप एक कहीं ना कहीं ये या तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या जो एक स्टाइल ऑफ गुजरात मॉडल है जिसमें डरा के धमका के चलाने की बात है, ये उसका परिणति है। आप कैसे देखते हैं अमृत छकाना को जरा समझा के आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो मुझे आपत्ति है कि अमृतपाल जैसे लोगों को के आगे, नाम के आगे आप जी लगा रहे हैं, या किरण पटेल जैसे लोगों के आगे आप जी लगा रहे हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। इनके जैसे लोगों के आगे मतलब जी लगाने का मैं तो कोई सम्मान मेरे मन में नहीं है इनके प्रति किसी भी तरीके से, तो इसलिए उस पर आपत्ति है। दूसरी चीज, मेरा जो अमृत, पहले आपको अमृत छकने की बात बता दूं, अमृत छकने का ये होता है कि सिख धर्म में 5 चीजें ऐसी हैं जो बताई गई हैं कि जो गुरु सिख हो जाता है उसके लिए जरूरत ये होती है कि वो गुरु के उन 5 सिद्धांतों को का पालन करे, उसके लिए वो अमृत छकता है। अमृत का मतलब जो वहीं पे चाहे स्वर्ण मंदिर में हो या चाहे जिस भी गुरुद्वारे में जाएगा वहां पे जलाशय होता है, उसके जल के साथ में उसका वो लेता है और उसके साथ कसम लेता है कि मैं गुरु की इन इन भावनाओं का और उन सब चीजों का पालन करूंगा और उसका आजीवन उस पे पूरी तरीके से रहूंगा, इन सारी चीजों को लेके होता है। उसके लिए एक और चीज जरूरी होती है कि आपको गुरु की जो परंपराएं हैं जैसे दाढ़ी रखनी है, कड़ा पहनना है, कृपाण रखनी है और ये सारी चीज, केस और ये सब चीजें आपको करनी है, तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा वो होता है, तो इनका आपको पालन करना होता है। इसके अलावा आपको मांस मदिरा कोई नशा नहीं करना होता है, इसके अलावा साथ साथ आपको तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सात्विक ढंग से रहना होता है, किसी महिला के साथ आपको नहीं होना होता है, आप महिला हैं तो पुरुष के साथ आपको संसर्ग में नहीं जाना होता है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो ये एक परंपरा है और उसमें शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, शादी हुई है उसके बाद में वो उन चीजों से अलग रह के अपने जीवन को कर सकते हैं अमृत छक्के, और वो कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं। तो एक तो ये है, दूसरी चीज है मतलब लाइक यदि हिंदू मेथोलॉजी में कहें तो उसमें जो एक सात्विक तरीके से रहने का साधु और संत के लिए जो डिफाइन किया गया है उस तरह की भावना से रहना है, लेकिन यहां पर चूंकि गुरु गोविंद सिंह तमाम लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए आपको लड़ाई का हथियार भी रखना है और वो सारी चीजें करनी है, तो इस चीज, अपना कफन बांधना है जिसे पग के रूप में आप बांधते हैं तो उसको आप देखिए, तो ये सब है। तो इसके बाद में चलिए, इसके बाद में मैं आता हूं कि अमृतपाल पे, अमृतपाल बेसिकली इस पे आऊं, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको याद करिए जब पंजाब का चुनाव चल रहा था आपकी डिबेट के दौरान मैंने 10 बार कम से कम कहा कि पंजाब में आने वाले वक्त में, तब तक अमृतपाल का कहीं नाम नहीं था, याद कर लीजिए, तो मैंने तब कहा था कि पंजाब में आने 10 महीने पहले की बात कर रहा हूं, 8-10 महीने पहले की बात, तो आप ये समझिए कि मैं तब कह रहा था कि पंजाब में आने वाले वक्त में आतंकवाद आएगा, और क्यों आएगा, मैंने कहा था कि आतंकवादियों की मदद लेकर के आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनसे फंडिंग हो रही, फॉरेन फंडिंग हो रही है, और इस कारण से पंजाब आग में झुलसेगा और वो वक्त आएगा, अराजकता होगी, तमाम सारी चीजें होंगी, और मैंने ये भी कहा था
कि ड्रग तस्कर यहाँ हावी हो जाएंगे। और आज की डेट में यदि आप देखिए पंजाब में ये सारी चीजें हो रही है, तो जो बात मैंने उस समय कही थी आज आपको दिख रही है। चलिए छोड़ दीजिए उस बात को, अब मैं दो चीज इस पे आता हूं। पंजाब में जो डीजीपी हुआ करता था वही आज एनआईए का डीजीपी है और उसे पंजाब के हर हालात का पता है। अमृतपाल पनप रहा था, सब कुछ हो रहा था। 8 महीने पहले, चूंकि मैं जहां चंडीगढ़ में रहता हूं, मेरे सेक्टर में आईबी का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर है वो है, मेरे घर के पीछे है। मैं तो तमाम सारे लोग मित्र है तो कई बार चला जाना होता है उनके साथ बैठ के, पैदल ही मुझे तो थोड़ी सी दूर पे है तो मैं टहलते हुए चला जाता हूँ, तो उनके साथ चलिए चाय पी आए वो आ जाए, तो वहां गप्पे मारते वक्त बहुत सारी चीजें पता चल जाती है जैसे जर्नलिस्ट करता है। तो साहब वहां पर जो इंफॉर्मेशन मिली, उन इंफॉर्मेशन से सबसे बड़ी बात, 8 महीने पहले केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेजी थी आईबी ने कि पंजाब में इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये अकाउंट नंबर्स हैं जिनमें फॉरेन फंडिंग हुई। उसके बावजूद न केंद्र सरकार ने कार्रवाई की, उसकी एक कॉपी पंजाब के डीजीपी को भी भेजी गई और न वहां से कार्रवाई हुई। गौरव यादव 7 महीने पहले मिलने गए वहां जो आईबी का रीजनल डायरेक्टर है उससे, और उससे मिलने आए और उससे पता नहीं क्या मैनेज हुआ, उसके बाद से तो चीजें बिल्कुल सेटल डाउन है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि जिस तरीके से उन्होंने जितना रिकॉर्ड दिया था उस रिकॉर्ड पर ईडी कार्रवाई कर सकता था, एनआईए कार्रवाई कर सकता था और दूसरी एजेंसियां कर सकती थी, आज तक कोई भी केंद्रीय एजेंसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। नंबर एक, पंजाब ने भी कार्रवाई अब शुरू की है और उस कार्रवाई में भी आप देखिए कितने आसानी से अमृतपाल स्किप हो जाता है। बाकी जो लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास से जो चीजें दिखाई जाती तो 15 बोर की राइफल, वो उनके कारतूस की वो, और ये हम सब जानते हैं उनके लाइसेंस होते हैं और सब कुछ है और उनके लाइसेंस है, चंद दिनों बाद वो सब रिलीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा कि हाँ साहब ये तो लाइसेंस ही था, अपनी सुरक्षा के लिए लेके चल रहा था, उसने कहा गोली चलाई, गोली तो उसने चलाई नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप न्यूसेंस की एफआईआर कर सकते हैं, बलवे की कर सकते हैं, तो बलवे की वो आप एफआईआर कर चुके हैं ऑलरेडी, अजनाला थाने में भी कर चुके हैं, दूसरी जगह भी एक दो जगह कर चुके हैं। जो किडनेपिंग वाला केस था जिस मुलिम को आपने जेल से छोड़ा, सरेंडर किया पंजाब पुलिस ने, क्यों किया भाई? तो ये सारी चीजें सामने, तो ये मिला जुला खेल है, मैं बार बार कह रहा था दोनों का, और दोनों मिलके खेल रहे हैं। क्यों? इससे फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। एक के पास इस बात की सिंपैथी होगी उससे कम्युनिटी में कि हमने देखिए आपको बचाया है, हमने ये सब किया, लेकिन हमने कहीं आपके खिलाफ इतना बड़ा कोई वो नहीं किया, और आप जानते हैं ऐसे की कार्रवाई इस पर बन नहीं पाएगी। और सारी चीजें जो आ रही हैं, उन सब चीजों में लीगली कहीं जो एविडेंस देने हैं वो कहीं एविडेंस टिकने वाले नहीं। तो इतना कमजोर केस है, उस केस के बाद में आप कहते हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार, अब तक एनआईए ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की? एनआईए ने क्यों नहीं इसे पूरा अपने कब्जे में लिया? कानून कहता है कि जब इंटर स्टेट या इंटर उसके एस्पेक्ट आ रहे हो सामने, तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए और एनआईए को टेक ओवर कर लेना चाहिए था। आज तक एनआईए ने इस केस को टेक ओवर नहीं किया। आप बताइए कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी ने अब तक प्राइमरी एफआईआर की है? छोड़िए आप, छोड़ दीजिए आप, सीबीआई में जैसे दो तरह की होती है, एक रेगुलर केस रजिस्टर होता है, एक पी होता है, पी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। आप समझे, बस यही आ रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां निगरानी कर रही हैं, वो इस पे नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्रालय पूरा कॉग्निजेंस ले रहा है, रिपोर्ट मांगी है। तो हुजूर ये रिपोर्टें तो आपके पास पहले ही जा चुकी हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? और आप ही के एजेंसी ने दी है, आईबी ने दी है, छोड़ दीजिए,
लोकल इंटेलिजेंस ने दी है, स्टेट को भी दी है और सेंट्रल को भी गई है। आप कल्पना करिए, जब ये सारी रिपोर्ट थी तो आपने पनपने दिया, एक हाइप क्रिएट किया, एक व्यक्ति को भिंडर वाला बना के तैयार कर दिया, उसके जैसी बिल्कुल बॉडी बना दी। और साहब ये वो व्यक्ति है जिसने केस भी कतरे हुए थे, दाढ़ी भी बनाई हुई थी, सब कुछ, सिख धर्म की जो मर्यादाएं हैं उन सबको जिसने वो कर रखा था। तो जिसने मर्यादाओं का पूरी तरीके से अपमान किया हो, वो व्यक्ति सिख अचानक इतना बड़ा गुरसिख बन गया, जत्थेदार की उसे किसने उपाधि दे दी, कहां से आ गई? तो आप समझिए, उस पर कोई सवाल नहीं है किस तरीके से, कहां कहां से क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अचानक एकदम से आप देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सबसे पटियाला में काली माता का पुराना प्राचीन मंदिर, उस पर हमला हुआ, खालिस्तानी नारे लगे, झंडे फहराए गए, माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। और ऐसी अब तक 17 घटनाएं हो चुकी है। डीजीपी पंजाब के इंटेलिजेंस डीजीपी के दफ्तर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। तो आप सोचिए, जब आतंकवाद का दौर था तब भी पंजाब में डीजीपी के दफ्तर पे हमला करने जैसी घटनाएं नहीं हुई। आप सोचिए, हेडक्वार्टर पे हमला हो रहा, तमाम थानों अजय साहब से हमला हो रहा है, ये सब स्थितियां पैदा कर दी गई। तो पंजाब तो झुलस रहा है, वसूली शुरू हो गई है, कत्लेआम हो रहा है, इतनी हत्याएं हुई है, रिकॉर्ड हत्याएं हुई है अजय साहब। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हो अजय भाई, तो लोकल, एक मिनट में खत्म करने के पहले बता दूं कि लोकल ये इस तरीके से है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर जिस तरह से चुप्पी रही है, आप ये बताता है कि मिलके खेल खेला जाता है कि साहब इसका फायदा किसको होगा। दो लोगों को होगा, एक जो हिनोट की राजनीति करता है और एक जो सिख वोट की राजनीति कर रहा है। ठीक है, खेल को आप समझिए, ये मिला जुला खेल है और इसमें देश को आग लगाने का काम किया गया है। अजय शुक्ला साहब, मैं चलते चलते अब आपसे एक अंतिम बोल ले लूं, क्योंकि एक तो जो आदमजीत सिंह साहब ने कहा कि अगर कुछ पुरानी फोटो निकल रही है किरण पटेल की, तो उस व्यक्ति का एक दो चार लोगों को डांट लगानी चाहिए, क्योंकि 3 मार्च को गिरफ्तार होते हैं किरण पटेल, 15 मार्च को पब्लिक किया जाता है, कांग्रेस का साफ साफ आरोप है कि इस दौरान सारी व्हाइट वॉशिंग होती है, धुलाई पुछाई होती है, उनके पुराने रिकॉर्ड, सीसीटीवी, जहां जहां वो गए वो सब फुटप्रिंट मिटाए जाते हैं, ये कैसे रह गया? तो इसमें तो किसी ना किसी जिसने छोड़ा हो इसको, उसका उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कोई पिटाई टाई होनी चाहिए जल्दी से, क्योंकि ऐसा इतना इंपॉर्टेंट उसने क्लू कैसे छोड़ दिया। अजय शुक्ला साहब, अडानी जी का मामला उतार पाएगी कि नहीं उतार पाएगी बीजेपी अपने सिर से, क्योंकि वो तो उतरता हुआ दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ तो कर रहे हैं। देखिए, अडानी जी पे मैं बात करूं, उसके पहले मैं सिंह साहब ने जो कहा मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूं, और उससे आगे मैं बात करता हूं। एक किरण पटेल पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, और उस पे मेरा यह है कि हिंदुस्तान के अंदर टोटल 45 लोगों को जेड प्लस, जेड और वाई तीनों श्रेणी की मिला के सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, और ये प्रोवाइड की जाती है गृह मंत्रालय के आदेश पर। तो हुजूर, सबसे बड़ा सवाल कि जेड प्लस सुरक्षा जब गृह मंत्रालय के आदेश के बिना दी ही नहीं जा सकती, जेड सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, वाई नहीं दिया, सामान्य सुरक्षा दी जा सकती है जो स्टेट का और लोकल दोनों को अधिकार है, मतलब उस मामले में जिले के एसपी और डीएम को भी अधिकार है, लेकिन जहां ये कैटेगरी में आपको सुरक्षा मिलेगी वो गृह मंत्रालय देगा। राहुल गांधी को जेड प्लस मिलती है, जो खुद शाह है उनको जेड प्लस मिलती है, तो इस तरह के लोगों को। तो आप छोड़ दिए, तो मैं इस पे बस इतना ही ये कहना है कि जब ये जेट प्लस और जेट की बात आप करते हैं, तो साहब सबसे पहले तो गृह मंत्री से इस पे पूछताछ होनी चाहिए कि आपने सुरक्षा कैसे दे दी, क्योंकि इसकी फाइल गृह मंत्री तक जाती है, उसके साइन के बिना नहीं होता। तो सबसे बड़ा विषय ये है, और ये एक पूरी कमेटी होती है जो गृह सचिव के अध्यक्षता में होती है, और वो पूरी कमेटी इस पर पास करती है, फिर गृह मंत्री का सिग्नेचर होता है, फिर आर्डर जारी होता है।
नोटिफिकेशन जारी होता है, अधिसूचना होती है भारत सरकार की, तो इससे आप समझिए, छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, उनकी जमीन खरीद के और सारी चीजें आप लोग चर्चा कर चुके हैं, उस पे नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री से उनके क्या रिलेशन है उसके तमाम सारे सबूत आ चुके हैं, पब्लिक डोमेन में है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अब आपने मुझसे जो सवाल किया, वो सवाल किया अडानी पे, मुझे लगता है कोई शायद बोल रहा था, मैं नाम नहीं एग्जैक्ट बता पाऊंगा, कि बेसिकली अडानी मसले से इर्द गिर्द होने के लिए इसी समय टाइम चुना गया अमृतपाल पे कार्रवाई का, यही टाइम चुना जाता है कुछ और चीजों का। अमृतपाल पे तब कार्रवाई नहीं हो रही है, वो हमला कर रहा है, कार्रवाई उसके तमाम दिनों बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि खबरों से, लीड अखबारों की आज क्या है, पिछले 3-4 दिन से लीड अमृतपाल है। आप देखिए कितने में लीड है कि हाँ विपक्ष का यह प्रदर्शन चल रहा है। आज के मैं 20 अखबार में रोज सुबह पढ़ता हूं, देश के इंग्लिश हिंदी के, अंग्रेजी के अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़ दे, टाइम्स ऑफ इंडिया में तो पहले पेज पे जो विपक्ष का प्रदर्शन है उसकी खबर होती ही नहीं। उसके अलावा द हिंदू में भी कभी कभी रेयर होती, आज द हिंदू में भी है और दूसरे तमाम अखबारों में है इंग्लिश के, लेकिन हिंदी के किसी अखबार में न लीड है, न सेकेंड लीड है, न फ्लायर है, कहीं कहीं सिंपल सी है, छोटी डबल कॉलम है, कहीं सिंगल कॉलम, फोटो समेत इंग्लिश के अखबारों में है, नंबर एक। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें कितनी कवरेज मिल रही, रोजाना जो गांधी प्रतिमा के पास करते थे, कल इसकी पूरा संसद भवन की उस बिल्डिंग में किया गया, तो आप समझिए इसके बावजूद नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सारे ये पूरे जो सगुफे, आप देखिए राहुल गांधी के बयान का जो लंदन का बयान है पूरा पब्लिक डोमेन में मौजूद है, यूट्यूब पे पूरा 1 to Z मौजूद है, एक भी मिनट की बगैर कटिंग की है, एडिट की है, लाइव टेलीकास्ट। तो साहब बयान तो उसमें सामने है, वहां पर जो कहा गया है सामने है, उन्होंने कोई बात उसको यदि सुनते हैं तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं आती जो देश के खिलाफ हो, फिर भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अडानी मसले पे चर्चा ना हो। इसी पूरे विवाद के बीच में अडानी को उड़ीसा में बॉक्साइट की खदान दे दी जाती है, भारत सरकार जो गोड्डा में जहां से निशिकांत दुबे सांसद है, जिनकी फर्जी डिग्री और सब कुछ का मामला सारा पब्लिक डोमेन में है, वहां पर जब वो उसको अनुमति दी गई थी तो शर्त रखी गई थी कि झारखंड को वो सब्सिडाइज बिजली देंगे। जो मोदी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की वहां तत्कालीन सरकार थी जिसकी सिफारिश थी, उस सिफारिश के बाद में उसमें चेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं साहब अडानी मार्केट रेट पर ही देंगे। फिर आप देखिए तमाम राज्यों को लेटर जारी होते हैं कि अडानी से आपको कोयला खरीदना है तो आपको इतने परसेंट कोयला उनका खरीदना है सरकारी उसको, जबकि हमारे यहाँ कोल इंडिया से वही कोयला 3,000 रुपए में मिल रहा है और वही कोयला उनके यहाँ 35,000 रुपए मिल रहा है। अजय भाई, अडानी जी पे एक अलग से, अडानी जी के इन हरकतों पे एक अलग से और किया जाएगा। अडानी का कहा था इसलिए मैंने जिक्र किया, मैं उस पे विस्तृत नहीं अब जाऊंगा। मेरा ये कहने का मतलब है, जैसा शायद गोयल साहब कह रहे थे, ये महाघोटाला है, इससे बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ। इस घोटाले पे चुप्पी क्यों, इस घोटाले पे क्यों नहीं सामने आते? मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं, पहले छापे मारते हैं, सब कुछ करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं मिला, बाद में आप कहते हैं सब कुछ मिल गया,